की शुरुआत कर रही है। बिहार में बीजेपी हाईटेक रथों के जरिए अपना प्रचार अभियान आगे बढ़ाएगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पटना में है। गांधी मैदान से 160 परिवर्तन रथों को हरी झंडी दिखाने के लिए अमित शाह पटना पहुंचे हैं। ये रथ बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। लेकिन इस दौरान एक अहम बात सामने आई और वो ये कि मंच पर तमाम नेताओं की तस्वीर है जिसमें बीजेपी और गठबंधन के दूसरे दल के भी नेता हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की तस्वीर मंच पर नहीं दिखी। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में एमएलसी चुनाव के नतीजे आने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि इस जीत पर किसी को भी इतराना नहीं चाहिए। बीजेपी उत्साहित है और अमित शाह खुद इन सभी परिवर्तन रथ को जो है वो यहाँ से रवाना करेंगे। ये वही परिवर्तन रथ है जिसको लेकर बीजेपी काफी खासा उत्साहित है और उसको लगता है कि इसी परिवर्तन रथ के माध्यम से वो है जो बिहार की सत्ता जो है उसको परिवर्तित करेगी और किसी तरीके से नीतीश कुमार की सरकार, लालू नीतीश की सरकार को हटाकर बीजेपी जो है वो एनडीए की सरकार पे काबिज होगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये वो सारे रथ है जिसको लेकर बीजेपी जो है काफी कुछ आशाएं रखी है।